सभी दोस्तों को नमस्कार। जन्मदिन वालों को जी हैप्पी बर्थडे। आज है शनिवार, अपना सेम रूटीन है, नहा धो के अब चलना है खेत तक, वो पाल और गाड़ी वाड़ी लेके धान वान झड़वाएंगे चल के, और थोड़ा सा चारा भी लेके आएंगे बाजरे का। बाकी जी पेड़ पे बस एक ही फूल दिखाई दे रहा, एक यो है और एक यो है पीछे ना, तीन है, एक यो है और एक वो है। इस पेड़ पे जो है एक चिड़िया का आवाज भी है, देखो ये घोंसला बना रखा है। अब उस पर का तो पता ना कैसे अंडे वंडे हैं ना है, और आराम से वो सुरक्षित है, इसमें बंदरों की पहुंच से दूर है। हाँ भाई हिटलर, चल ले आवे खेत पे को है, तो मार पड़ने कहाँ साल है, सूस में ही जगह है जो के वो है। बाकी जी पशु हमारे पुराल खा नहीं रहे हैं, अब एक ही दिन खाई से रुजू में तो बाजार आना पड़ेगा, इसमें मिक्स करके काटनी पड़ेगी। बाकी एक काम ही हो, गैस सिलेंडर का आज ही ख़त्म हो गया है, अब उस लेके आवा एक होम डिलीवरी वाला, उससे कहीं तो ही पहुँचा जाएगा तो ठीक ही है। बाकी अब चलते हैं ज़रा बुग्गी पे, वो लोड कर लें पाल साल। जय हो चमुंडा माता जी की जी। स्कॉर्पियो, इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, क्लासिक का स्कॉर्पियो, क्लासिक का। चल अरे अरे क्या मजा ले रहा बंदर का बच्चा, चल 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 चल। अरे तेरी ये है जी अविरल धारा लिपा पोती। चलो चल 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 चल। तो गारा ऊपर से झटके बहुत है, रास्ते का तो बैंड बज गया इसका, चौमासे चौमासे में। इसकी जिम्मेदार भी हम तीन तीन चार गाड़ियां हमारी, उसकी वजह से ना, तो एक साल ना चलता ना, मतलब एक चौमासी ना चलती पर गाड़ी वाड़ी, तो उसको सही हो जाता है। लेकिन ये चारा लाना ज़रूरी है पशुओं के लिए। तो जी वॉक्सवैगन को तो डीअसेंबल कर दिया है, डीअटैच कर दिया, बल्कि असेंबल कर डीअटैच। बाकी खेत में बस दो ही प्राणी दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये पता ना किस टाइम आम है ना आम है। वैसे अच्छी बात यह है कि सूर्य देवता मौजूद है। अब सबसे पहले अपना काम निपटा में जी, दौड़ दी बाजरा काटना छोटी छोटी। अब बिंदु आवाज़ लगाई है ना भाई, आवाज़ लगाई है काम में ना। अच्छा चलो, बाजरा भी लड़कने तैयार है भाई जी। अपने करने का काम तो हमने करके रख लिया, दौड़ी बाजरा काट के थोड़ी छोटी लोड कर लिया। अब बस इनका काम देखना बिंदु महाराज का, आज गर्मी तो फिर भी पतली हो रही है, बस ये अच्छी बात हवा चल रही है आज। फोटो खींचना तुम्हारा, हाँ गया चौथाई दार हूँ, कभी बाद में मना कर दोगे, तुमने चौथाई पर लगाए हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हो यार तुम्हारे पक्ष में ही, टेंशन मत लो। फोन करो यार लोगों को, झाड़ने वालों को आज आ सके हैं क्योंकि ना आज आ सके हैं क्योंकि कल बारिश हो गई ना, तो घास होगी वैसे सब चीकट हो गया, घास भी कुछ गल गई होंगी, कोई बात ना। तो यहाँ पेड़ की ठंड में आकर बैठ गया हूँ मैं, तो अच्छी बात यह हो कि आज थोड़ी हवा चल रही है, वो खतरे की बात यह हो कि हाँ अढ़ाया बतेरा है, और आजकल सांप बतेरे निकल रहे हैं जंगलों में, काटो फोन वोन देखना टाइम कहाँ है, अभी तो है झाड़ने वाली तो झाड़ दंगी बतेरी। ये अच्छी बात है, पेड़ का नीचे करो पहले खाली, बैठ के रोटी तो खा लोगे। हाँ हाँ जी सुनवाओ,
दादी ले खड़ी है पीछे, बच के रही हो बिंदु महाराज, कभी गर्दन उड़ा दे मेरी तो भैया घर चलना है, बाद में जाऊंगा यार मेरी गर्दन उड़ाया दो, एक तो पुरा दो चारे का प्रबंध करवा रहे हो इनके, ऊपर से गर्दन कटेगी लो। बाकी 10:40 हो रहे हैं जी, बैल को बांध दिया आज पेड़ ठंड में भाई, ये खतरे की बात है, उस साइड में तार है, करंट वरंट ना आ रहा हो इनमें, बांध तो बतरा ढीला, यही रही है ऊपर ही रास्ते पे। अब चल रहे हैं जी हम भी जरा लंच ब्रेक करके ही, उसके बाद ही आऊँगा मैं भी, अभी तो झाड़ नहीं ओढ़ता, गर्मी बिकट हो रही है कतई प्रचंड। तो ये बज रहा दिन का पूरे 1:15 बज रहे हैं, 12:45, अब आपसे हम खेल चल रहे खेत पगु पैदल परेड, इस टाइम जंगल में से कोई आता दिखाई दे ना रहा, बाकी गर्मी का आलम, पसीना देख के समझ लो थोड़ा बहुत तो। और मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो कार वाले हैं धूप में कार खड़ी करके बती देर के लिए, उसके बाद जब कार में अंदर एंट्री कराए ना, बाहर से तुम ठंडी जगह उसमें से आए और जब कार में बैठे हैं, जो जो भपका निकला है वो वाला भपका निकल लिया आज टाइम कति प्रचंड गर्मी है, यकीन मानियो मानना ही पड़ेगा, देखियो इतनी उमस है, जैसे चाहो तो उससे हीटर चल रहे हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ क्या झाड़ ले हो वह आराम से नींद निकल रही है पेड़ की ठंड में, अब तुझे भर के रखो जरा, मौसम का कोई भरोसा आ कि जितना करवा रहा है 2 मिनट में उठ जाएगा बादल, मरवाए हर्च भर के है, मन तो लगेगा काम करने, मन तो लगेगा ही, मन को मन के चक्कर मत रहो, मन लग रहा काम करने में है, ओफो देखो जी बाजरी क्या 32 हट गई, मुरझा गया कतई, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, बैल भी हाँप गया 1:30 बज रहा और कतई पत्ता ना हिलिया, मैं बताई ना कार वाली स्थिति हो गई है कतई, अब रख के ना कट्टो को और राम राम को यहीं छोड़ के जाऊंगे, बाद में करते रख, हो अरे रुक जा भाई, रुक जा भाई कतई फुल झाड़ जा, हो गर्मी बिकट हो रही है, ये भी क्या करे बेचारा, धूप में कई जगह बैठा दिया ना आदमी को, बांध के अगर डाल दिया हाथ पैर बांध के डाल दिया हमें, मेरे ख्याल से 2 घंटे में शायद काम हो ला उसका, बस बूझो मत कुछ कह ही नहीं सकते, अरे आ जाओ यार जल्दी जाओ भैया, भैया फोन पे बात करता जा रहा है किसी से, और जिम निकली पड़ी है खुद की भी। तो ये पहुंच गए घर, बड़ी मुश्किल से आया, 1:45 बज रहे हैं इस टाइम, पूरा 1 घंटा लग गया मुझे जाने आने में, ओफो अब होगी दोपहर के बाद मुलाकात। तो जी बज रहे हैं अब 5:15, अपने जिम चलने का टाइम हो गया, निपटा कर हमें थोड़ी 3-4 एक्सरसाइज थाएगी, बैल तो खैर लगा लेगी हफ्ते के बीच में थाएगी, पर आपके डबल लगाएंगे थाई पे, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, हर बार छूट जाती है, 12 का साइकिल चला रहा है मस्त मोरा होगा आराम से, इतना लग रही गर्मी गर्मी, अबे इस पर मार फेरो दोनों जने मिल, तीनों जने मिल के, अरे तुमने इसे भेजा पानी लेने के लिए मेरे साथ, ये तो खाली हाथ ही आ गया ऐसे ही और बाकी जी हम चल रहे हैं जिम को, पीछे से फोन आ गया उनका हरवीर सिंह का, तो उन्हें जरा चौराहे तक जाना, तो उनका उन्हें छोड़ चलूँ, उनका मोटरसाइकिल है नहीं, तो मैं वापसी चल रहा हूँ जिम होके आऊँगा, बाया चौराया है भाई चल रहा, अब तू चल मेरे साथ चल चल रहे बैठ, तो फिर पशु चुका रहे हो पशु, आओ जी इधर आओ जी, लगाओ चश्मा, ये वाह सही है, आर यू ओके, बैठो चलो, इन्हें छोड़ दिया है इनकी दुकान मोटर, ठीक है भाई मंत्री मैं चल जाऊँ फिर, हाँ हाँ कर आऊँ यार, आज भोलो की वजह से भीड़ कम है जिम में भी, थोड़े काम लेने गए हैं कुछ, भाई का एक्सरसाइज होगी कंप्लीट,
आज बनियान पहन के आया, टी शर्ट पे ही है मामला, कतई पसीना पसीना हो गया, 1000 लीटर पसीना निकल गया होगा सुबह तब तक। भाई अब चलना है, चल के देखें खेत पर से जो जड़े होंगे धान वो ले आएंगे चल के। तो जी जिम से हम आ गए सीधे खेत पे मोटरसाइकिल से ही, उनके देख चलूँ गाड़ी लानी जरूरत है ना है। तो यहाँ तो 2 इकट्ठे हैं भरे हुए, तो उन्हें 1 को मोटरसाइकिल ले चलेंगे। बाकी देखो सूरज देवता की और व्यू कितना जबरदस्त है। बाकी जी एक ये बादल है सामने, बचपन में क्या, अब भी कलाकृति ढूंढते रहे मैं इसमें क्या क्या चीज़ बन रही है बादल की। तुम भी देख के बताइए क्या बादल है इसमें, क्या मतलब क्या बनने आया इसमें, भालू है, चीता है, कछुआ है। बाकी जी आज के व्लॉग की करते हैं यहीं से खेत पर ही समाप्ति, चल के नहाँगे नूँगे, अंधेरा हो जाएगा बतेरा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।